बार बार वर्णन आता है, कृपा करके संध्योपासना का स्वरूप और महिमा का बने। मैं कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ इसी सत्र में। संध्यो जैसे वैदिक कर्म में कई प्रकार के भेद होते, वेद जो है ना सृष्टि के साथ ही वेद भगवान ने प्रकट किया। वेद एक प्रकार का ज्ञान है, ऋषियों ने समाधि में बैठ करके उसका साक्षात्कार किया। उसमें तीन विभाग है, एक कर्म विभाग है, कर्म योगी, एक जो है भक्ति विभाग है, एक ज्ञान विभाग है। 1,00,000 मंत्र वेद के हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म विज्ञान के हैं, 16,000 मंत्र उपासना विज्ञान के हैं, और 4,000 मंत्र तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान के 4,000 मंत्र ही, कर्म विज्ञान के 80,000 मंत्र, क्योंकि कर्म जाल बहुत फैला हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं हैं जीव की, उसके लिए अलग अलग कर्म है। तो क्या होता था कि बालक को पहले पाठशाला में जैसे जाते हैं ना, तो पहले गुरुकुल में भर्ती करते थे, तो उसका एक यज्ञोपवीत संस्कार होता था। यज्ञोपवीत संस्कार होता, आज का व्यक्ति यज्ञोपवीत क्या समझेगा। उसके साथ उसको 96,000 मंत्रों का अधिकार प्राप्त होता था, इसलिए 96 चावा का, उस ये चावा बोलते चार वेद, 96 चावा का सूत का हम लोग पहले बहुत बनाए हैं। अपने अपने चावा से अपना यज्ञोपवीत बनता है, उसमें ग्रंथियां होती है, वो सारा एक विज्ञान है। उसके साथ उसका उसको नित्य कर्म प्राप्त होते थे, जिसमें जिसमें जो है वह प्रातः की आहुति है, सायंकाल की आहुति है, संध्योपासन है, इसका नाम है नित्य कर्म। तो उसको 96,000 मंत्रों का अधिकार प्राप्त होता था, माने कर्म का और उपासना का अधिकार प्राप्त होता था, ये दोनों अधिकार प्राप्त। तो उसमें कुछ सकाम कर्म है वेद में, तुम सुख चाहते हो, यहाँ इस जगत में कहाँ सुख है, क्या पाप, पर सुख चाहते हो उसका साधन बताता है, ये यज्ञ करो स्वर्ग जाओगे। तो स्वर्ग में क्या विशेषता हो जाएगी, नित्य युवावस्था का शरीर रहेगा, संकल्प मात्र से सारे भोग प्राप्त होंगे, तो सुख चाहते हो कि नहीं। तो सुख के साधन के बहुत उसमें कर्म है, ऐसा कर्म करोगे तो इस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, ऐसा सुख पर, ऐसे स्वर्ग में जाने के तमाम प्रकार के कर्म। कुछ ही यहाँ के लिए है कि पुत्र चाहते हो, पुत्र नहीं है, पुत्रेष्टि यज्ञ करो, वर्षा नहीं हो रही है, कारिणी यज्ञ करो, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, ये यज्ञ करो, ऐसे करके तमाम प्रकार के उसमें मंत्र हैं यहाँ की पूर्ति के लिए। पर एक नित्य कर्म है जिसको मीमांसक ये मानते हैं कि नित्य कर्म का फल नहीं है कोई, पर नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो फल नहीं है मतलब ये क्या है कि इस प्रकार का फल नहीं है, जैसे आप नौकरी करते हो तो पैसा मिलता है, खेती करते हो तो अनाज मिलता है, पर रोज घर में झाड़ू लगाते हो उसका क्या मिलता है, उसका पैसा तो नहीं मिलता ना। परंतु नहीं लगाओगे तो
पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, तुम्हारा घर रहने रहे कि नहीं रहेगा, उसमें छुट्टी है क्या, सर्विस में छुट्टी है, सब में छुट्टी, उसमें छुट्टी है क्या? नित्य कर्म में छुट्टी नहीं है, और रोज ही संध्योपासन करना पड़ेगा आप तुमको, प्रातः काल की संध्या में जो है करना पड़ेगा और सायंकाल की संध्या में, उसमें यही यही है कि हमने क्या किया रात भर में, क्या किया तो दिन भर में क्या किया, तो उसमें क्या पाप हुआ, क्या पुण्य हुआ है, उसके निराकरण के लिए वो है, उसके निराकरण के लिए वो झाड़ू लगाने के समान है। क्योंकि जगत में व्यवहार करोगे तो मन में कचरा आएगा कि नहीं, ये माइक जगत है, कचरा आएगा, और रोज नहीं निकालोगे तो कचरा जमा होता रहेगा कि नहीं, वो रोज निकालना है, वहां छुट्टी नहीं है, सुबह शाम निकालना है, रात भर में जो कचरा आया वो सुबह निकालना है, दिन भर में जो कचरा आया शाम को निकालना है, दो बार झाड़ू देना पड़ेगा ये मन को। यही जो है संध्योपासन में यही है, और प्रातः काल सायंकाल के आहुति में यही है, ये कचरा निकालना, इसका कोई पृथक फल नहीं है, ये नित्य कर्म है, इसमें छुट्टी नहीं है, एक नैमित्तिक कर्म होता है जो समय समय पर किया जाता है। संक्रांति आ गई तब करना पड़ेगा, पुत्र का जन्म हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार करने पड़ते हैं कि नहीं करने, कुंभ आ गया, अमावस्या आ गई, विशिष्ट पर्वों पर वो संस्कार के कर्म करने पड़ते हैं। जैसे विशिष्ट समय में आप लोग अपने घर में पैसा खर्च करके कलर आदि करते हो कि नहीं, उसको रिपेयर करते हो कि नहीं, उसमें पैसा खर्च होता है, उसमें कुछ मिलता नहीं है, पर वो करना जरूरी है कि नहीं, नहीं करोगे तो घर की शोभा रहेगी, वही नैमित्तिक कर्म जो विशिष्ट पर्व पर किया जाता है, वो विशिष्ट ढंग से आपके हृदय को सजाता है, और नित्य कर्म वो संध्योपासन झाड़ू देना जो सुबह शाम दोनों से, इसका इसके लिए छुट्टी नहीं है, रोज करना पड़ेगा। आज वो परिस्थिति नहीं रही तो आज कम से कम जो है जो जो गुरु ने मंत्र दिया है, है? तो प्रातः काल करो, सायंकाल करो, उसी से झाड़ू लगाओ। पर आज क्या करते हो कि तुम वो मंत्र को भी सकाम बना देते हो, मंत्र जप करते हो पर नित्य कर्म नहीं रहने देते, तुम कामना से संबंधित कर देते हो तो वही सकाम हो जाता है, तो नित्य कर्म होता ही नहीं तुम्हारे जीवन में, तो कचरा कैसे संभव हो। संक्षेप में यही रोज नहीं लगाओगे क्योंकि तुम्हारी ऐसी आदत पड़ गई है, दस माला जब भी करोगे तो उसको कामना से जोड़ दोगे, अब कामना से जोड़ देगो तो नित्य कर्म कैसे होगा, नित्य कर्म का तो कामना से संबंध है नहीं, वो तो झाड़ू लगाने के समान है। तो वही देखो, वही कर्म, वही अग्निहोत्र जो है जब सकाम हो जाता है तो नित्य कर्म नहीं रह जाता, और सकाम नहीं करोगे, कर्तव्य मान करके करोगे, उसका कामना से नहीं जोड़ोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध, तो गुरु ने जो मंत्र दिया उसको भी तुम सकाम बना देते हो, इसलिए तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हो पाता, और नहीं तो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म ठीक प्रकार से हो, फल से संबंध मत करो तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन हुआ तो ये जगत
को पढ़ लोगे, नहीं तो नहीं पढ़ सकते, कुछ भी कर नहीं पढ़ सकते। और शुद्ध मन नहीं कर पाए तो कोई ज्ञान तो है तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता। लाख पावर का बल्ब प्रकाश दे सकता है, कचरा नहीं निकाल सकता। ध्यान में आए कि नहीं? प्रकाश में सूक्ष्म से सूक्ष्म कचरा दिखता है, पर प्रकाश से कचरा निकलता नहीं है। ज्ञान से तुमको अपने दोष छोटे से छोटे दिखने चाहिए। नित्य कर्म तीव्र होना चाहिए। यह जीवन में नहीं होगा, उस समय के बाद छोड़ो। अब संध्योपासन तुम नहीं कर सकते, जो संस्कृत में जो है बना हुआ भले ही, पर ये तो कर सकते हो, गुरु का मंत्र जप कर सकते हो, और सवेरे जो है पूरे रात का, और सायंकाल जो है पूरे दिन का, या 24 घंटे में जो है एक बार पूरे जो है 24 घंटे का निरीक्षण कर सकते हो कि नहीं है? उसको भगवान के चरणों में रख सकते हो कि नहीं? दोष हो गया है, गलती हो गया है, तो भगवान का चरण पकड़ के रो सकते हो कि नहीं? इसके लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है, तो तुम्हारा मन कहाँ से शुद्ध होगा? समस्या ही है। तो वो संध्योपासन का तात्पर्य ही, संध्योपासन नित्य कर्म है, समय समय पर बदलता रहता है। पहले तो अग्निहोत्र के रूप में था वो, तो सायंकाल के, अब वो सब चीज़ें आज नहीं रही, अब उसको हम समझाने लगे तो एक घंटा तो उसी में बीत जाएगा।